आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल RD ब्लॉग। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूं मैं। अभी 9 बज रहा है, अभी ड्यूटी भी जाना है, तो चलते चलते रास्ते में भी दिखाऊंगा और आज होटल के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत कुछ दिखाऊँगा अपने ब्लॉगिंग में। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। पहुंच गया होटल में और आज मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं अभी फोन हमारे पास घूमत वाले का, तो अच्छी से घूमना भी जाना है हमें। तो हमारे मित्र भाई बना रहे हैं। भाई जी, क्या बन रहा है? ये आटा तैयार हो रहा है बन के मोमो का। जब भी मोमो का मैदा आप गूंदें तो थोड़ा टाइट रखें, ढीला ना छोड़ें उसको, ताकि आपको भरने में आसानी होगी। और भर के भी दिखाएंगे आपको, डिज़ाइन भी दो तीन डिज़ाइन आपको बताएंगे भर के। और इधर हो रहा है ये मसाला तैयार। इसमें है पत्ता गोभी, बीन्स है, गाजर है, शिमला मिर्च है। इसको आपको बारीक से चॉप करना है। चॉप करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है थोड़ा सा अपने हिसाब से। और उसके बाद हल्का सा कढ़ाई में तेल डाल करके उसको हाफ बॉइल कर लें, हाफ फ्राई कर लें इस तरीके से। ज़्यादा नहीं, दो तीन मिनट भून लें उसको। और ये हमारा मोमो का मसाला तैयार हो गया। ये मैदा बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरीके से आप इसको सेट कर लें। दिखाने के बाद कितना टाइम लगा, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। इतना ही टाइट रखना है इसको, ताकि आपकी मोमोज बनाने में आसानी हो। ढीला बिल्कुल भी ना छोड़ें, जितना ढीला रहेगा भरने में दिक्कत होगी आपको। तो कोशिश ये करें कि इसको टाइट से टाइट लगाने की कोशिश करें। और इस तरीके से इसको सेट करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना, किसी उसमें कपड़े से ढक के रख देना, ताकि ऊपर से कपड़ी ना लगे इसमें। और ये अभी हमारा बन के रेडी हो गया है। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे इसको मोमो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे भरे जाते हैं, वो दिखाएंगे थोड़ी देर में। ये इस तरीके से पत्ता बेलना है मोमोज का। और ये हाथ में इस तरीके से ऐसा फोल्ड, अब दिखा रहे हैं। और दूसरा डिज़ाइन इसको भी ऐसे ही फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है? तो आपको ये वाला डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बिल्कुल फूल की तरह लगता है ये वाला डिज़ाइन। और एक ये बना के दिखाया, एक डिज़ाइन और आपको बना के दिखाएंगे। और इस तरीके से मसाला लेना है। इस वाले में ऐसे फोल्ड करना है गोल गोल राउंड करके। ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो ये आपको डिज़ाइन बना के दिखाए हमने, आप ज़रूर ट्राई करना एक बार अपने घर पे। और जो डिज़ाइन आपको पसंद आया हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ये हमारे मोमो बनके तैयार हो गए हैं।
हर आदमी की एक ही समस्या होती है कि यार मोमो तो बना लेंगे लेकिन स्टीमर कहाँ से लाएँ। तो आपको बता दूँ कि स्टीमर की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप फ्राई मोमो पसंद करते हैं तो आप फ्राई में तेल डाल करके फ्राई मोमोज बना सकते हैं अपने घर पे, और इस तरीके से तेल में फ्राई करके ये हमारे मोमो तैयार हो गए हैं। आप इसे रेड चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। अगर चटनी बनाना भी आपको सीखना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको हम चटनी बनाना भी सिखा देंगे इसको। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। ये हमारे मोमोज तैयार हो गए हैं, इसको हल्की आंच में ही सेकें। अगर करारा बनाना है आपको तो हल्की आंच में सेकें, अगर नॉर्मल रखना है तो इतना में ही निकाल दें, लेकिन हमें इन्हें थोड़ा करारा करेंगे और खाने में क्रिस्पी लगेंगे। तो इन्हें हम हाथ में ही निकालेंगे क्योंकि होटल के लिए बना रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर आएगा हम इन्हें दोबारा तेल में डालेंगे, इसलिए हम इनको हाथ में ही निकालते हैं। तो आप अपना पूरा करारा करके ही निकालें। ये बन के रेडी हो गए मोमो।